इंक्लिनोमीटर, राइट? पीजोमीटर इज डन. पीजोमीटर क्या है, हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर वी वर मेजरिंग अवर फ्लूइड प्रेशर. नाउ व्हाट इज इंक्लिनोमीटर, क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम, विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनोमीटर वी कैन मेजर आइदर स्लोप बोल सकते हो, एंगल टिल्ट बोल सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हो, राइट? सो वील बी मेजरिंग इन लेटरल मोमेंट ऑफ सॉइल, कितना एंगल, कितना उसका एलिवेशन हो रहा है, कितना टिल्ट हो रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनोमीटर वी कैन मेजर दैट, राइट? द कौन सी फिजिकल पैरामीटर मेजर कर रहे हैं वो पता चल गया. नाउ वेयर वी कैन यूज दैट, वी कैन आइदर यूज एन डैम वेयर वी आर हैविंग सम स्लोप इन टनल्स, राइट? एनी प्लेस जहाँ पे भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन टिल्ट स्लोप मेजर करना है, सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग वी कैन यूज अवर इंक्लिनोमीटर. सी हियर इन दिस डायग्राम जो आप देख रहे हो, मेनली इंक्लिनोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, राइट? इन डायग्राम यू कैन सी दैट वी आर हैविंग टू थिंग्स. द फर्स्ट वन दैट इज दिस ऑरेंज केसिंग, राइट? एक ऑरेंज कलर का दिख रहा है. एंड सेकेंड दिस सिल्वर कलर, दिस इज अवर इंक्लिनोमीटर प्रॉप. सो इंक्लिनोमीटर हैज मेन टू थिंग्स. द फर्स्ट वन दैट इज इट्स आउटर केसिंग जो यहाँ पे ऑरेंज कलर की है. एंड द सेकेंड थिंग दैट इज योर इंक्लिनोमीटर प्रॉप. सो दिस वन दिस सिल्वर कलर दैट इज योर इंक्लिनोमीटर प्रॉप. अगेन मेन दो चीज होगी हमारे. देन विल बी हैविंग वन सेंसर विथ प्रॉप, उसमें हमारे पास सेंसर होगा विच इज कनेक्टेड विथ सम वायर्स एंड मास, राइट? अब ये क्या है, कैसे है, ये दो चीज हम पढ़ेंगे. आपका जो प्रॉब है वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या है वो पढ़ेंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी आर कंसर्न अबाउट दैट इज आउटर केसिंग, राइट? जो हमने आगे ऑरेंज चीज देखी वही, दिस इज आवर केसिंग. फर्स्ट वी हैव टू टेक अ बोरहोल एंड इन दैट बोरहोल वी हैव टू फर्स्ट इंसर्ट दिस केसिंग. एंड ऑलवेज केसिंग के अंदर ही हम हमारा इंक्लिनोमीटर प्रॉब डालेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट वी आर हैविंग वन केसिंग, राइट? केसिंग है हमारे पास. हियर इन दिस केसिंग यू कैन सी दैट इट हैज फोर डिफरेंट ग्रूव्स, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अलग अलग चार है, दैट इज कॉल्ड एज फोर ग्रूव्स, राइट? दे आर ऑर्थोगोनल ग्रूव्स. इन केसिंग ऑलवेज विल बी हैविंग दिस फोर ग्रूव्स, राइट? अगर उसको देखने चाहिए, यू कैन सी दैट इट इज ए प्लस एंड ए माइनस ग्रू, एंड हियर वी आर हैविंग बी प्लस एंड बी माइनस ग्रू, राइट? केसिंग का ऑलवेज शेप किसी फॉर्म में होगा, केसिंग विल ऑलवेज हैव दिस फोर ऑर्थोगोनल्स ग्रू इन इट. नाउ केसिंग को हमने डाल दिया इन आवर बोर होल, देन इन दिस केसिंग वी हैव टू इंसर्ट, इन दिस थर्ड डायग्राम यू कैन सी दैट इन दिस केसिंग वी हैव टू इंसर्ट अवर प्रॉब. दिस इज अवर इंक्लिनोमीटर प्रॉब. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेजर, राइट? केसिंग सिर्फ आउटर केसिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए. अब इस केसिंग में हमने देखा कि वी आर हैविंग फोर ग्रूव्स, राइट? सो ये फोर ग्रूव्स का काम क्या है, ऑल इन ऑल योर इंक्लिनोमीटर प्रॉप्स विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ व्हील्स, राइट? ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस आर इट्स व्हील्स, राइट? सो ये व्हील को हमें इस जो ग्रू है उसमें परफेक्टली फिट हो वैसे आपका प्रॉप इंसर्ट करना है, राइट? यू कैन सी दैट इस ग्रू में और इस ग्रू में ये पहले फिट कर रहा है एंड फिर हम प्रॉप को हमारा उसको इंसर्ट कर रहे हैं इन साइड द ग्रू. ओके, ऐसा हम क्यों कर रहे, ये हमें ग्रूव्स और ये व्हील को उसी में फिट क्यों कर रहे, ताकि आपका जो भी सेंटर है वो परफेक्टली अलाइन हो और आपके केसिंग के सेंटर में रहे. ओके, व्हाई वी आर हैविंग दिस व्हील्स एंड व्हाई वी आर हैविंग दिस ग्रूव्स, सो हम उसी में हमारे व्हील्स को सेट करेंगे, परफेक्टली फिट होगा और फिर हमारा प्रॉप को अंदर इंसर्ट करेंगे. एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, ताकि आपका यहाँ पे अंदर जो सेंसर है इट गेट्स परफेक्टली अलाइन विद इट एंड इट विल प्लेस इन द सेंटर विद इन योर केसिंग, राइट? सो केसिंग के बारे में पता चल गया. व्हाट इज केसिंग, सबसे पहले बोर होल, उसके अंदर हम केस को इंसर्ट करेंगे. केस हैज फोर ग्रूव्स, दैट इज ए प्लस ए माइनस बी प्लस एंड बी माइनस. देन विल बी इंसर्टिंग अवर इंक्लिनोमीटर प्रॉप इन टू दिस केसिंग. कैसे इंसर्ट करेंगे, ताकि आपके ऑल द फोर ग्रूव्स में वो इंसर्ट हो, राइट? ग्रू ऑल द फोर आइदर इन ए प्लस और ए माइनस और इन बी प्लस और बी माइनस.
परफेक्टली उसमें फिट होगा, फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे। वाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ताकि आपका सेंटर अलाइन रहे और आपके केसिंग में सेंटर के पोजिशन में रहे उसके लिए। ओके, दिस वॉज अबाउट योर केसिंग। नाउ नेक्स्ट, दैट इज अबाउट योर इंक्लिनोमीटर प्रॉब। दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज योर इंक्लिनोमीटर प्रॉब, राइट? ये आपका क्या है? दिस इज योर इंक्लिनोमीटर प्रॉब। नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी दैट जो हमने आगे देखा व्हील्स, राइट? सो इट हैज फोर व्हील असेंबली, राइट? ये दो एंड दिस टू, राइट? सी हियर यू कैन सी दैट ए प्लस और ए माइनस। तो ये हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो दो केसिंग में परफेक्टली फिट हो। ओके, बॉटम एंड एट बॉटम एंड टॉप वील बी हैविंग व्हील असेंबलीज, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील असेंबली विल बी इंसर्टिंग इन आवर will be inserting this probe in our casing. Okay, then the next thing it is having, that is jaise maine bataya, it will be having some sensors, right? So here it will be having servo accelerometer, right? With the help of this we can measure the inclination, right? Kitna hai aapke axis ke sath kitna inclination hai wo hum measure karenge with the help of servo meters, accelerometers, right? Either it can have two, right? Or it can at least, it always have one servo accelerometer in it, right? So between these two wheel assemblies will be having accelerometer, right? Yahan pe aapka kya hoga? Accelerometer hoga, right? So this is our accelerometer housing. Now at the bottom part, jahan se hum niche andar insert karenge, so we'll be having one bottom cushion, right? Here at the bottom part we'll be having one cushion. At the top of this prop will be having cable connect karenge, and this cable will be connected to your power source and your readout unit, right? It is with this prop will be connected with your power source and your readout unit. To with the help of readout unit kya karenge, hame wo output mein reading dega ki kitni kya kya inclination codes to be value hai wo, right? So this is your basic construction installation of your inclinometer. क्या क्या होगा पता चल गया? First we'll be having one bore hole. In bore hole we'll be inserting our casing. In that casing we'll be having four grooves, right? A plus, A minus, B plus and B minus. Either we'll be inserting first our inclinometer probe in A plus, A minus or in B plus, B minus, right? देन प्रॉब जैसे ही इंसर्ट किया, प्रॉब में क्या क्या है हमें वो पता होना चाहिए। सो इट हैज टू व्हील असेंबली एट बॉटम एंड एट टॉप, राइट? उन दोनों व्हील के बीच में विल बी हैविंग एक्सेलेरोमीटर, राइट? देन एट द बॉटम देयर विल बी हैविंग सम बॉटम कुशन, एंड एट द टॉप ऑफ दैट इंक्लिनोमीटर विल बी हैविंग केबल्स। दैट केबल विल बी कनेक्टेड टू आवर रीड आउट यूनिट। सो वहां पे एट द रीड आउट यूनिट हमारा जो भी व्हील्स वी आर हैविंग सर्वो एक्सेलेरोमीटर विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन मेजर के कितना इंक्लिनेशन हुआ है, राइट? राइट नाउ आई विल बी शोइंग यू वन वीडियो जो हमने लास्ट टाइम मैंने थोड़ा ही दिखाया था, राइट? वो वीडियो देखेंगे कि कैसे आपका इंक्लिनोमीटर इंस्टॉल हो रहा है, राइट? कैसे हम उसको केसिंग के अंदर कैसे प्रॉपरली इंक्लिनोमीटर को सेट कर रहे हैं और फिर अंदर डाल रहे हैं, एंड देन हाउ वी आर गेटिंग द रीडिंग्स। ओके, सी इन दिस, दिस इज योर इंक्लिनोमीटर प्रॉब। यू कैन सी वी आर हैविंग व्हील असेंबली। दिस टू इज योर व्हील असेंबली एंड दिस इज अ बॉटम पार्ट, बॉटम कुशन, right? This way we have to arrange our wheels in that particular casing. This is the top part, so we'll be having two wheel assembly. Either you have to insert that into A plus or A minus or B plus or B minus. This is your readout unit. Yahan pe we'll be getting the output, right? Jo bhi hame andar jitna bhi inclination hai wo hame in this readout unit you'll be getting the output. See, here you can see that here this is your casing, right? In casing they are adjusting the fit, आपके जो भी wheel है उसको properly fit कर रहे grooves में, and then they are inserting this probe into it. Okay?
सी हाउ फर्स्ट यू हैव टू एडजस्ट, फिट करना है ग्रूव में प्रॉपरली, एंड देन आपको उसके अंदर प्रॉप इंसर्ट करना है, वाई, ताकि आपका सेंसर सेंटर में रहे, परफेक्टली अलाइन रहे. देन जितनी डेप्थ तक हमें मेजर करना है अकॉर्डिंगली विल बी इंसर्टिंग आवर प्रॉप, राइट, उतनी डेप्थ तक हम अंदर डालते रहेंगे. Now, see here you can see that on this wire they are having blue marks, right? So particular distance fix कर लिया है कि एक इतने distance के बाद I am going to measure. So after every blue mark they are going to measure at in this readout unit कि हमें कितनी value मिल रही है. Right, so from bottom till top you will be getting the output reading for particular distance, jitna bhi na distance fix kiya hua hai, at each blue mark they are taking the readings and for that particular distance they are getting the output. Now see here you can check for both the grooves, right? ए ए डैश में भी कर सक ए ए माइ ए प्लस ए माइनस में, और सेकेंड टाइम यू कैन मेजर यूजिंग बी प्लस एंड बी माइनस. देन अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, राइट. सो फ्रॉम दिस पता चला क्या है, कैसे इंक्लिनोमीटर हम मेन दो चीज क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनोमीटर हम क्या मेजर कर रहे हैं, एंड वट आर द स्टेप्स फॉर इस इंस्टॉलेशन, और हम कैसे रीडिंग देखते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंक्लिनोमीटर, कैसे अगेन फॉर सेम थिंग हम रीडिंग्स चेक करेंगे फॉर बोथ द साइड, बोथ द ग्रूव्स पेयर, दैट इज ए प्लस ए माइनस एंड बी प्लस बी माइनस. दिस वॉज अबाउट योर ओल इंक्लिनोमीटर. मेन उसका हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पैरामीटर मेजर कर रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, इंक्लिनोमीटर प्रॉप के अंदर भी क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट. वी आर हैविंग टू व्हील असेंबली इन बिटवीन, वी आर हैविंग एक्सेलेरोमीटर हाउसिंग एट द बॉटम, वी आर हैविंग बॉटम कुशन एंड एट द टॉप वेयर विल बी कनेक्टिंग अवर केबल्स, राइट. देन वी आर टेकिंग द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ अवर रीड आउट यूनिट, एंड इन दैट केसिंग हम प्रॉपरली फिट करेंगे, व्हील को सेट करेंगे एंड देन विल बी इंसर्टिंग अवर प्रॉप, एंड अप टू विच डेप्थ हमें जितना भी मेजर करना है विल बी इंसर्टिंग इट, एंड देन पर्टिकुलर एक एक फिक्स डिस्टेंस पे विल बी टेकिंग अवर रीडिंग. और रीडिंग भी हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप विल बी गेटिंग अवर रीडिंग, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंक्लिनोमीटर. टिल नाउ वी हैव सीन टू टाइप्स, दैट इज हमने दो देख लिए, that is your piezometer and your inclinometer. Piezometer is for your liquid.